हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। सो आज मैं एक्चुअली व्लॉग शूट नहीं करने वाली थी। मैंने एक मेकअप वीडियो सोचा था बनाने के लिए, बट आज कुछ ऐसा हो गया कि मैंने कि व्लॉग बनाना ज़रूरी हो गया एक्चुअली, क्योंकि कुछ नया आया है घर में एंड आई रियली वॉन्ट टू शेयर विद यू। तो सीन ऐसा है कि अभी जो 2 जून को मम्मा पापा की मैरिज एनिवर्सरी हुई थी, उसमें मैंने तो मम्मा के लिए गिफ्ट मंगा लिया था जितना मैं अफोर्ड कर सकती थी, जो मेरा बजट था उस हिसाब से। बट भाई मॉम डैड को गिफ्ट नहीं दे पाया था, सो वो गिफ्ट वो आज लेकर आया है एंड काफ़ी बड़ा है गिफ्ट, बट वो फाइनली आ गया। तो मॉम का जो मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट था वो आ गया है और आप देख सकते हो मैंने अभी शावर लिया है। तो सीन ऐसा सा है कि जब भी कोई नई चीज़ घर में आती है तो हमें उसकी पूजा करनी होती है। सो लेट्स गो और मंदिर से रोली चावल लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं, नए चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सो मंदिर में चलते और चीज़ें लेकर आते हैं और पूजा करते हैं। सो लेट्स गो। ये है वो गिफ्ट जो भाई मम्मा पापा के लिए लेकर आया, 4 बर्नर गैस। एक्चुअली मॉम अपना किचन रेनोवेट करवा रही हैं तो उसके लिए उन्हें चीज़ें कलेक्ट करनी है ताकि वो मॉड्यूलर सा लगे, तो इसलिए शी वांटेड दिस। उनके पास ये रेगुलर वाला चूल्हा था जो हर मिडिल क्लास फैमिली में एक्चुअली होता है, तो ये अब तक हम यूज़ कर रहे थे, बट भाई आज ये लेकर आए। ये एक्चुअली फेबर का है और एज यूजल उन्हीं चीज़ों में से ये भी है द नाइफ सेट जो मैंने मंगवाया था। एक्चुअली वो इसके सामने काफ़ी कम लग रहा है, बट राइट नाउ आई एम अनएम्प्लॉयड तो मैं इतना ही अफोर्ड कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती। सो चलो इसकी पूजा करते हैं एंड देन कुछ भी इस पर बनाने से पहले हमें कुछ मीठा बनाना होगा, तो फिर हम कुछ मीठा बनाएंगे। सो पहले इसकी पूजा कर लेते हैं। शो यू समथिंग एल्स ऑल्सो। ये मैंने ना मेजरिंग कप मंगाए हैं, लास्ट 2-3 वीडियो से आई हैव बिन काउंटिंग माई कैलोरीज, तो ये मेजरिंग कप मंगवाए थे। ये मुझे पड़े हैं ऑलमोस्ट 140 रुपये के शायद, तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे। ये इसमें 8 4 स्पून्स हैं एंड 4 मेजरिंग कप हैं। ये फुल 1 कप है, ये 2x3 कप है, ये हाफ कप है एंड ये 1/4 कप है, और ये टीस्पून टेबलस्पून है सारे। सो इनसे क्या होता है कि आप आराम से क्वांटिटी मेजर कर सकते हो जो भी चीज़ आप खा रहे हो, और फिर उसकी कैलोरीज को आप एग्जैक्टली मेजर कर सकते हो गूगल के थ्रू, क्योंकि वो कप्स में ही मेजर करते हैं। तो दैट्स व्हाई आई बॉट दिस। तो ये मैंने अभी मंगवाया रिसेंटली। सो अभी हम कुछ मीठा बनाते हैं घर में। एक्चुअली सूजी नहीं है, तो अभी हम बनाने जा रहे हैं आटे का हलवा, जो कि केवल और केवल मैं अपने और दादी के लिए बनाने वाली हूँ, क्योंकि और कोई खाएगा नहीं। सो लेट्स मेक इट। सो पहले हम डालेंगे घी। एक्चुअली आटे का हलवा इट्स वेरी इजी टू मेक। तो हमारा हलवा रेडी हो गया है। आई हैव एडेड बादाम, कोला और थोड़ी सी किशमिश भी ऐड किया मैंने इसमें, सो इट इज़ लुकिंग प्रीटी गुड। अब ये तो हो गया, सो नाउ मॉम इज़ गोइंग टू मेक लंच ऑन द न्यू चूल्हा। एक्चुअली बस पापा का रिएक्शन देखना बाकी है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि भाई ये लाने वाला है। एक्चुअली हमें से किसी को भी नहीं पता था, वो उसका सडन डिसीजन था पता नहीं क्यों। सो अब देखते हैं डैड कैसे रिएक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो सकता है डांट पड़ जाए, बिकॉज
सडनली ऐसे अच्छा इतना बड़ा बिग बिग एक्सपेंस करना उन्हें पसंद नहीं है, बट फिर भी स्टार्टिंग में नाराज होंगे, बट देन अगेन उनकी आदत है कि वो पहले नाराज होते हैं और फिर मान जाते हैं, तो दिस इज गोना हैपन. और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको उनका रिएक्शन जरूर शो करूँ. बाकी अभी मॉम से भी पूछना है कि उनको कैसा लग रहा है, कि ऑल्दो शी इज़ वेरी हैप्पी, बट आई विल रिकॉर्ड इट. अच्छा लगा फिला, पसंद आया? इधर देख भी लो, बड़ी खड़ूस हो कसम से. पसंद आया नहीं आया? इतना गंदा रिएक्शन. तो पता तुम्हारा बेटा भी ये देखेगा और फिर वो कहेगा मम्मी तुमने कर देंगे क्या करा है, मतलब मेरा ये पसंद नहीं आया तुम्हें. अरे पसंद आया तो कि वो करूं डांस. अच्छा लगा ना? अच्छा लग रहा है. ये ज्यादा लिक्विड ही हो गया ना, ये हलवा हो गया, क्या हो गया इसे? लापसी कहते हैं बेसिकली, है ना? इसमें पानी, पानी ज्यादा पड़ गया. अरे यार, अरे कोई बात नहीं, टेस्टी है फिलहाल, अच्छा लग रहा है. वो आपका मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट, मतलब आओ तो किचन में, तो आओ. आपका गैस स्टोव आ गया जो चाहिए था आपको इतने टाइम से. कैसा लग रहा है? फेवर का है? है तो, लेकिन तुम मेहनत लगा के जो. अरे कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं. तुम मिला अब वो अपने लाल से पूछो. Look at her sleeping like this. इनके हाल ऐसे हैं और इन महाराज के हाल ऐसे हैं. ये दोनों ही एक नंबर के नालायक हैं, बहुत ज्यादा बड़े वाले. सो आप सब ने ऑलरेडी पापा का रिएक्शन देख लिया, एंड दैट वाज इट. उसके बाद में बहुत लंबा डिस्कशन चला पूरा, कितने का है और क्या जरूरत थी लाने की. मतलब गुस्सा नहीं थे, ही वॉज हैप्पी, बट स्टिल लंबा डिस्कशन था जैसा होता है कि कितने साल की वारंटी है क्या नहीं. सो इट वॉज प्रिटी लॉन्ग वन, तो उसको दिखाने का तो कोई फ़ायदा नहीं था. एनी वेज दैट्स इट फॉर टुडे, एंड इफ यू लाइक दिस ब्लॉग देन प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. और कॉमेंट सेक्शन में शेयर करना चाहो अपना एक्सपीरियंस इस तरह की किसी चीज़ का, तो प्लीज़ डू शेयर. तब तक के लिए बाय बाय.